हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरह से हम एक पीडीएफ फाइल को एडिटेबल वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और साथ ही वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फाइल में। अगर आपने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करते हुए आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिर भी मैं चाहता हूँ आप उसे एक बार जरूर देखें, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले। ओके, अब कई बार सिचुएशन ऐसा आ जाता है कि हम जो पीडीएफ फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है और हम नहीं चाहते हैं कि दूसरे कोई भी पर्सन उस पीडीएफ फाइल को ओपन कर पाए। तो इस सिचुएशन में आप पीडीएफ फाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हो ताकि बिना पासवर्ड के कोई भी पीडीएफ फाइल को ओपन ना कर पाए। तो अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह से हम एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, देन इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस काम को करने के लिए मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 को यूज में ले रहा हूँ। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के बाद के वर्जन को यूज कर रहे हो देन आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। ओके, तो एग्जांपल के लिए मेरे पास यहाँ पे एक वर्ड फाइल है और मैं चाहता हूँ इसे एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले इस वर्ड डॉक्यूमेंट को हमें ओपन कर लेना है। उसके बाद मेनू बार पे जो फाइल टैब है उसमें से हमें जाना है सेव एज पे, फिर ब्राउज पे क्लिक करते हुए डेस्टिनेशन पाथ को चूज कर लेना है जहाँ पे हम बेसिकली पीडीएफ फाइल को सेव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चूज कर लेता हूँ डेस्कटॉप को। अब सेव एज टाइप के पास जो ड्रॉपडाउन मेनू है उसमें से हमें सिलेक्ट करना है पीडीएफ को। उसके बाद हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शंस बोल के, हमें इस पे क्लिक कर लेना है। देन इस ऑप्शंस विंडो पे एकदम अंत में देखिए एक ऑप्शन एनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट विद ए पासवर्ड, इसका आगे जो बॉक्स है उसे चेक कर लेना है। फिर ओके, अब आपको आपके पसंदीदा पासवर्ड को पुट कर लेना है 6 to 32 कैरेक्टर के अंदर। तो मैं टाइप कर लेता हूँ, अगेन वही पासवर्ड यहाँ पे भी पुट कर लेना है, फिर ओके एंड फाइनली सेव पे क्लिक कर देना है। तो देखिए पीडीएफ फाइल हमारे सामने ओपन हो चुके हैं और साथ ही हमसे पासवर्ड मांग रहे हैं। अभी के लिए मैं इस विंडो को क्लोज कर देता हूँ और इस वर्ड फाइल को भी। ओके, तो देखिए डेस्कटॉप स्क्रीन पे एक नया पीडीएफ फाइल क्रिएट हो चुके हैं। अब अगर मैं इसे ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए हमसे पासवर्ड मांगा जा रहा है, यानी कि अब हमें इसे फाइल को एक्सेस करने के लिए राइट पासवर्ड पुट करना होगा, तभी ये जो पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो पाएगा, कुछ इस तरह। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हम एक वर्ड डॉक्यूमेंट को एक पासवर्ड प्रोटेक्टेड पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट पे शेयर जरूर करें आपका एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, फिलहाल जो पीडीएफ फाइल हमारे पास है उसे किस तरह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड किया जाए। इसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करते हुए उस वीडियो को देख लीजिएगा जहाँ पे मैंने बताया है किस तरह से आप एक पीडीएफ फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस वीडियो को फॉलो करते हुए आप पहले पीडीएफ फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, देन इस वीडियो को फॉलो करते हुए आप बाकी काम तो कर ही सकते हो। वैसे आप ऑनलाइन पे इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो, लेकिन वो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करने वाला क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी भी तरह का रिस्क लेना। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।